तो सर फीलिंग बेटर रेडी टू मूव? बिल्कुल कब्बे जैसा हो गया। रो रहे थे रोज, ले जाओ हमको ले जाओ। कौन है? पापा आ गए हॉस्पिटल से। Hey guys, welcome back to my channel. आशी आशी। परेशान कर दिया परेशान। क्या बात करती है इंसान परेशान हुआ उन्हें दिखा। इतना बीमार होता है इंसान, हमको इतना दौड़ा है। हम पता है 7 बजे से उठे हैं, मम्मा का तबीयत बहुत खराब है। हाँ, सोमनाथ बोला। फिर हाँ, उसको बोले हैं कि सोमनाथ को टेस्ट करवा लो भाई। ना टेस्ट कल सब कुछ हुआ किया, नॉर्मल है, नॉर्मल वेदर बुखार है। सोमनाथ बोला हमको कि टेस्ट करने बोला 2 दिन बाद डॉक्टर, और आप बोल रहे नॉर्मल है बुखार, नॉर्मल। हम गए थे बाबा, हम गए थे। तो सुनना झूठ बोलेगा। वो अपने से बात करूं तुम हो गया। वो भी मार रहे, वो भी बीमार है। आप फिट है, डॉक्टर से बात कर ली, बस बोला थोड़ा सा नॉर्मल ही लगा, एकदम ऑयली फूड हो गए, चले गए। मसालेदार खाना बंद। हां बंद है ना। तो सर फीलिंग बेटर रेडी टू मूव? अभी इनका रिएक्शन दिखाते हैं बाहर का, लाइटिंग देखेगा। 2 दिन जब बंद था जेल में। कौन कर रही है? छोड़ी छोड़ी छोड़ी, मतलब मायरा जब हुई थी रो रहे थे रोज, ले जाओ हमको ले जाओ ले जाओ। इरिटेटिंग लगता है थोड़ा हॉस्पिटल में। अच्छा मतलब रैसेस हो गया। ये लाग ही ठीक हरियाली पक्का आई बाजार। ये इतना हसीन दुनिया बहुत हसीन है ना। क्या खाइएगा घर में भी कुछ बनाना है? हमको नहीं पता भाभी। अरे आप जम्मू ही चल जाइए भैया। तुमको बोलना ही नहीं आता। हम बोल ही नहीं सकते भाई। हेलो, ये भोर वाला सौका वाला फोन कर रहा है डॉक्टर से बात कर। हेलो, हम सकाल ए सी हमें अभी थोड़ा हॉस्पिटल आए करते कॉल डिस्चार्ज करके। उन्हें लेके जाएगी जाली मोरत है, जाली मोरत है, नहीं लेके जाएगी। हम आते हैं बाइक लेके। मायरा देख रही है। पापा मत देखिए। हाथ वाथ धो लीजिए भैया, उसके बाद सैनिटाइजर वगैरह तो मार देते हैं, साबुन देकर हाथ धो लीजिए। हमको निकाल घर में जाकर नहाए अच्छे से। हाँ, एक गर्म जल कर दीजिए बाबू, पैंट फट जाएगा। अच्छे से बैठिए। हाँ बाबू, एक गर्म जल कर दीजिए। अब एक बोस्टल तो के दाम छाड़ा कोदे गेलो। ए ऊपर तक काम से दाओ तो मायरा को भी लेके जाएंगे, फिर शाम में लेक्चर होगा। ए चांटान करे नहीं तू। रुके रुके रुके, गमछी देने दीजिए ना, पैन फट जाएगा। कपड़ा लेने गए, वहाँ पे बैठी है ना आप। वहाँ पे रखेगा तब आप चढ़िएगा।
पापा आ गए हॉस्पिटल से, बहुत दिन बाद देख रहा उसका जी। हाँ। पापा आ गए हॉस्पिटल से, पापा से पूछो कि कैसे हैं पापा। ताके खावा सी खाबे ना किसी ते। पापा से पूछो पापा कैसे हैं। मागो लुची अबे हॉस्पिटल से हैं पापा, मत टच करना, मत टच करना पापा को अभी। हॉस्पिटल दिख रही बेटा। ओ बाप रे बाप, पेपे पता है, पेपे पता थे तो पूरे सारा दिन दो चम्मच रस खावा गे। ওই মাজরা পাগল করে দিচ্ছে না না তাই তাই আজকে দিনটা থেকে মনে হচ্ছে জানো বাবা পাগল করে দিচ্ছে নিয়ে যাও নিয়ে যাও নিয়ে যাও পুরো পাগল করে দিচ্ছে কতবার আমাকে ফোন করেছে নিয়ে যাও আপ পাগল নেই করতে হ্যাঁ বাবা একটু বুলা খে লিয়া আর আপ পাগল করে লাগা ওটা অবশ্যই খাওয়া দিতে এখন কেটে দাও না খাবে দামি কেটে দাও আরাম সে মহারাজ हम कुछ किए नहीं, आपने गिरता था आराम से महाराज। इन्हें बोला कि हम ही मेरा बैलेंस खो दिया आपको देख के। आपको देख के कौन बैलेंस खोएगा भाभी? आप तुम्हारा भैया खोया है। आपने खोए हैं? हम भी खोए हैं। तब फिर तभी तो शादी हुआ। तुम खो देगा अभी हमको देख के। तो खराब दिन नहीं है मेरा। खोया था तुम भी बैलेंस। फर्स्ट टाइम में खोया था ना। फर्स्ट टाइम गलतफहमी सबको होता है। चल गलत फैमिली से ही सही खोया तो था। से केटे दिशा से क्या खेला? नहीं तो हम खाए थे, हम किया। कोई तो खाता नहीं बाबा, हम खा लिए। महंगा फल था और मेरे लिए प्रोटीन सोर्स था, इसीलिए हम खा लिए। आपकी आपकी बेटी खाना तो दी नहीं थी हमको उस दिन, तो हम फल ही खा लिए। इसलिए बोलते मेरा कोई नहीं है पूरा शरीर तोड़ दिया है। किशु सब टेस्ट है। एक तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो यही तो उधर वाला नौ, तो उसमें भी अंदर में बहुत सारे बोला है डेली एक टाइम वाइट एक देने मतलब अंदर का अंडा का पीला नहीं करना, सिर्फ सादा अंडे ना। हम उधर कहाँ रहेंगे, हम इधर ही रहेंगे, मायरा नहीं रहेंगे। ये जाएगा बोल रहा है, तुम तो बोले डॉक्टर बोला है तीन दिन बाद, तीन दिन बाद तो थोड़ा कुछ पूजवा कर कितना दिन, तीन दिन बाद जाएगा फिर तो। वो तो हम भी बोल रहे थे, हम लोग सब एक ठीक है भाई, हमको किसी पूछने वाला। आप मामपिए ठीक है, राहुल ठीक है, फिर हम लोग ऐसे करेंगे बिग बॉस वाला। आप लोग देखने जाते हो क्या, लगा देंगे न्यू फ्लैट में चार पांच कैमरा लगा देंगे, सब कुछ हम लोग हर कोने से हम लोग यूट्यूब में।
अब मौसी बना देंगे बिग बॉस, मौसी मम्मी को पूजा भट्ट यहाँ, लेकिन हर एक है सब। चलो अभी घर आ गए, थोड़ा सा शांति सुकून है। मम्मी को तो बहुत बड़ा सुकून मिला होगा, मम्मी कहा से कब आएगा, कब आएगा। क्या ठुक ठुक कर रहे हो, ऐसे लग रहे ऊपर कुछ गिर रहा है। लगा पत्थर का बारिश हो रहा है, काम चल रहा है। तो चलिए ये बहुत जल्दी मतलब जल्दी ठीक हो जाएंगे। पत्ता दो दो हमको, वो दो दो दवाई को, अभी तो हम खा लेंगे। मतलब बकरी का दूध मिल जाता ना यहाँ हफ्ता में एक हफ्ता। मम्मी सुबह से 6 बजे फोन किए हमको, वैसे हम 7 बजे उठ गए चले गए मम्मा के पास, 6 बजे फोन किए हम। एक बार फोन किया हमको, लगा सो रहे होंगे, फिर 8 बजे फोन किया, रिसीव किए, बोले कि हम तो आगे फिर घर पे सो गए थे, कब आओगी, छुट्टी हो गया मेरा, आओ ना आओ ना, तो सोने ही नहीं दिया हमको। हम उठ के बैठ गए, फिर गए सोमनाथ को बुलाए, बोले आना थोड़ा सा जाएंगे अकेले, क्या बात करें। तीन रात ऐसा हो गया, एकदम घड़ी देख के बाहर दिन भर बोले आ जाओ आ जाओ, छुट्टी हो गई। मिनट का हमको 2 घंटा का सामना, डॉक्टर से बात कर रहा हूं, वहां पे 10 बार फोन किया, बोला अरे बड़ी सी कोई नर्स सभा ऊपर पागल कर दिया। हम गए ना सब नर्स हमको देख के हंस रहे, मतलब सोचो कितना परेशान किया होगा। छोड़ेगा छेड़ 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 दो छेड़ दो, हम समझ रहे हैं। मेरे साथ एक बार हो चुका है ऐसे, फिर बहुत अच्छे जगह पे थे, मतलब हम जा रहे थे ना एकदम अंधेरा, ऊपर से नर्स लोग अच्छे से बात नहीं कर रहा था जब मायरा के टाइम में, लेकिन यहाँ का नर्स बहुत मतलब अच्छे से देखे बात कर रहे। प्राइवेट और सरकारी मंत्र वो सरकारी नहीं था जहाँ पे मायरा, मतलब वो बड़ा हॉस्पिटल है, ये प्राइवेट क्लिनिक टाइप का, छोटा क्लिनिक टाइप का, शिशु मंदिर से अच्छा है, अच्छा है, बेड कितना साफ तो और पूरा लाइटिंग, ये भी लेकिन अच्छा लगेगा, पैसा भी अच्छा लगेगा। ड्रेस दिया था सर, हाँ ड्रेस का पैसा सबका पैसा जुटाया है जी जी जी। लेकिन एक पता है उस पास हर हॉस्पिटल में क्या लगता है, अच्छा ट्रीटमेंट हो तब भी ये रहता है, एक तो स्मेल, कोई भी जितना भी अच्छा हॉस्पिटल है एक हॉस्पिटल का स्मेल अलग ही होता है, और दूसरा है कि आप हॉस्पिटल के अंदर जब हो ना तो बाहर का लाइट जब एडमिट हो जाएगा, बाहर का जो ऑरिजिनल लाइट है वो सनलाइट देख ही नहीं पाओगे, इन दोनों में से बहुत नहीं। चलो आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, अब इनका सेवा चलेगा ऐसे ही, जब तक प्रॉपर ठीक ना हो जाए घर पे ऐसे सेवा चलेगा, फिर मिलेंगे कल एक अच्छा ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।